शब्द सुनकर आपके मन में क्या विचार आते गरीब है अनपढ़ है मजबूर है और बहुत कुछ हाँ यह सब सच है लेकिन ये क्यों होता है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा हम लोगों को प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने की सलाह बहुत सारे लोग देते प्रोडक्शन तो बढ़ता है लेकिन खर्चा भी तो ज़्यादा होता है खर्चा ज़्यादा कर कर प्रोडक्शन अच्छे दाम से कैसा बेचे उसके बारे में कोई नहीं सलाह देता हमेशा मंडी में नुकसान में मटेरियल बेचना पड़ता है ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी है इस उपज के दाम मिडलमैन हम किसानों को पूछे बगैर तय करता है और हमेशा नुकसान में बेचता है बाकी सब इंडस्ट्री में मालिक खुद के उपज के दाम फिक्स करते हैं और हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। वैसे तो किसानों को गरीब मजबूर कहा जाता है लेकिन वो तो एक दाने से हजार दाने तैयार करता है फिर गरीब क्यों इसके ऊपर हम लोगों ने ग्रुप बनाकर क्या सॉल्यूशन निकाला और फार्मिंग कैसा सस्टेनेबल हो सकता है उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा मैं एक किसान हूं पिताजी के साथ ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था उस खेती से पूरे परिवार का गुजारा नहीं होता था इसलिए दस साल तक नौकरी किया नौकरी में भी मन नहीं लगता था उसी समय एक किसान की सक्सेस स्टोरी पढ़ी और मन में ठान लिया मैं भी नौकरी छोड़कर ऐसी खेती करूँगा ये बात पिताजी को पता चली पिताजी बोले पहली शादी कर ले नहीं तो तू खेती करता है इसलिए तेरे साथ कोई लड़की शादी भी नहीं करेगी जो किसान खुद भूखा रहकर सारी दुनिया को खाना खिलाता है उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं और जो लोग सिर्फ पर्दे पे प्रेजेंटेशन दिखा के लोगों को करोड़ों को फंसाते उनके साथ कोई भी शादी कर रहा है शादी की नौकरी छोड़ी दो दिन का पॉली टेक्निक का कोर्स किया बहुत थेरोटिकल था मेरी समझ में कुछ नहीं आया इसलिए एक साल तक एक फार्म पे प्रैक्टिकल काम किया इस काम से मुझे पैसे नहीं मिले लेकिन करोड़ों का ज्ञान प्राप्त हुआ दस लाख का प्रोजेक्ट बना के बैंक में सबमिट किया चक्कर पे चक्कर काटने लगा बड़े बड़े लोगों को करोड़ों का लोन कुछ ही दिनों में मिलता है और हम किसानों को करोड़ों की जमीन गिरवी रखकर छोटे से लोन के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं इसलिए हम लोग साहूकारों के पास जाकर पाँच से दस टाइम ज़्यादा बेच ब्याज से कर्जा उठाते मंडी में एक साथ मटेरियल लेके जाते नुकसान में बेचते ब्याज भी नहीं चुका सकते साहूकार फोन करके धमकाता है फिर सुसाइड होते आखिर में लोन मिलने पर पॉलीहाउस का फार्मिंग शुरू किया पूरा परिवार काम करने लगा सब लोग मंडी में बेचते थे फ्लावर मैंने डेकोरेटर्स और होटेलों के साथ टाइप किया और 10 लाख का लोन एक साल में चुकाया मैनेजर साहब खुश हो गए घर आए पिताजी को बोले तुम्हारे लड़के ने तो क्रांति किया है दस लाख का लोन एक साल में रिपे करने वाला ये हमारा पहला किसान है अब घर वालों को भी भरोसा आया खेती भी एक फायदेमंद व्यवसाय है। फिर मेरे साथ और भी लोगों ने काम करना शुरू किया। मैं उनको सलाह देने के लिए रोज बाहर जाता रहा मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई इसलिए मैंने 11 लोगों को लेकर नाबार्ड के मदद से अभिनव फार्मर्स क्लब नाम का ग्रुप तैयार किया और जिम्मेदारियां बांटी एक साथ फर्टिलाइजर इनपुट एक साथ परचेस करना शुरू किया उसमें भी हम लोगों को 25-30% परसेंट का ज्यादा मुनाफा होने लगा 11 लोगों का ये परिवार अभी 305 लोगों का हो गया था जो किसान साल के 25 तीस हजार कमाते थे वो आप चार पांच लाख कमाने लगे फिर एक ही दिन में 305 सौ पांच मारुति एट हंड्रेड परचेस की नाबार्ड ने भी नेशनल अवार्ड दिया यह न्यूज़ पेपर में छपी सब लोगों ने पॉली हाउस में फ्लोरिकल्चर शुरू किया डिमांड उतना ही था प्रोडक्शन बढ़ गया रेट गिर गए पर हमने हार नहीं मानी हम लोगों ने एक्जोटिक वेजिटेबल का काम शुरू किया ब्रोकोली आइसबर्ग और इसके मार्केटिंग के लिए हम लोग पहली बार मॉल्स में गए वहाँ पे हमने पहली बार देखा कंडीशन में सब्जियाँ रखी थी नहीं तो उसके पहले जूते ए में देखे थे हम लोगों ने आज भी आज भी हमारे देश में खाने की चीज रस्ते में मिलती है और पैर में पहनने वाले जूते एयर कंडीशन में एक्जोटिक वेजिटेबल का भी काम बहुत बढ़ गया उसका भी फ्लोरिकल्चर जैसा हो गया डिमांड उतना ही प्रोडक्शन बढ़ गया रेट गिर गए इस बार हमने सोच लिया अब हम ऐसा फार्मिंग करेंगे जब तक दुनिया में आदमी जिंदा है तब तक चलने वाला फार्मिंग वो है बिना केमिकल वाला इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक दो एकड़ का फार्म दस बीस हजार लीटर रोज का पानी एक दो घंटे की बिजली पूरा परिवार सिर्फ चार घंटा काम करता है कोई भी जिम को नहीं जाता क्योंकि जिम को पैसा देना पड़ता है यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी होती है और उल्टा पैसा मिलता है सब्जियां ग्रोसरी मिल्क फ्रूट ग्रेडिंग पैकिंग करके होम डिलीवरी का काम शुरू किया इसके लिए लेबर का प्रॉब्लम शुरू हो गया उसके लिए महिला बचत गटों के साथ मिलकर हमने काम शुरू किया इससे गांव की औरतों को रोजगार भी मिला उसका एक उत्तम उदाहरण है अरुणा जी जो पति ने ले हुए कर्जे से तंग आकर सुसाइड तक पहुंची थी आज वही अरुणा जी पूरे अभिनव ग्रुप का पैकिंग ग्रेडिंग और होम डिलीवरी का काम संभालती है उसने पूरा कर्जा चुकाया कार भी लिया एक डेढ़ एकड़ जमीन लेकर हमारे साथ खेती भी कर रही है पंद्रह सौ औरतों को उसने रोजगार दिया और वो ये सब सिस्टम और अच्छे करने के लिए विदेश भी जाकर आई है अभी वो भारत के सब किसानों को डायरेक्ट मार्केटिंग का ट्रेनिंग भी दे रही है डायरेक्ट मार्केटिंग में कठिनाइयां तो आती थी हमारी सक्सेस स्टोरी आईआईटी मुंबई ने पढ़कर हमें डायरेक्ट मार्केटिंग का ऐप तैयार करके दिया मेरी बेटी प्रिया जो एग्रीकल्चर साइंस ग्रेजुएट है वो आईआईटी मुंबई जाकर ऐप ऑपरेटिंग का ट्रेनिंग करके आई और अभी बत्तीस सौ लड़कियों को लेकर पूरे देश का अभिनव ग्रुप का डायरेक्ट मार्केटिंग ऐप कर, कर रही है अभिनव से जुड़े डेढ़ लाख किसानों का दस लाख से शुरू हुआ टर्न ओवर आज चार सौ करोड़ तक पहुंच गया है हमारे देश के हर गांव में अगर ऐसा एक ग्रुप बनता तो एक भी किसान सुसाइड नहीं करेगा और करोड़ों लोगों को बिना केमिकल वाला खाना मिलेगा यह बात सुनकर एक महिला ने मुझे सवाल पूछा आप बहुत अच्छा खाना हमें खिला रहे हो कल हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे बाहर कंट्री से इधर आके स्थायिक होंगे उनको कौन अच्छा खाना खिलाएगा मैंने हंसकर जवाब दिया मेरा बेटा प्रमोद और अभिनव फार्मर्स क्लब के किसानों के लड़के इंजीनियरिंग करके बिना केमिकल वाला खाना तैयार करने का काम कर रहे हैं इतना ही नहीं पच्चीस तीस लेबर का काम दो लीटर डीजल में कैसा बनेगा उसके लिए मशीनरी भी मशीनरी भी बना रहे ऑटोमेशन भी कर रहे आज मैं इधर हूं लेकिन मेरे फार्म पे पानी और फर्टिलाइजर अपने आप शुरू हो गया अपने आप बंद हो गया ऑटोमेशन भी कर रहे हैं वो आपके बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे वो बहुत खुश हो गई मेरी आपसे विनती है आप भी इस मिशन में जुड़कर किसान और देश की मदद करें। याद रखिए बॉलीवुड की मूवी नहीं बनी तो कोई भूखा नहीं रहेगा लेकिन किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो सब लोग भूखे मरेंगे किसानी <प्थलिण> 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 <प्थलिय> <प्थलिण> <प्थलिण> किसानी हमारे देश का सच्चा हीरो है जय हिंद